News 18, India. उत्तराखंड में लागू हो गया है, असम में कहा जा रहा है हिमंत बिस्व शर्मा की तरफ से कि वो भी सोच रहे हैं, कड़े फैसले ले ही रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आप लेकर आएंगे? मैं फिर दोहराना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के द्वारा बताया जाएगा, राज्य सरकार अक्षरशः उसका पालन करेगी। लेकिन आपका विचार क्या है? मेरा विचार मोदी जी के साथ चलने का। यूसीसी के फेवर में हैं आप? मैंने फिर कहा कि जैसे हमारी भारत सरकार चाहेगी निश्चित रूप से हम वो सब करेंगे। आपका पहला इंटरव्यू है सीएम बनने के बाद, लेकिन आप जलेबी अभी भी बड़ी अच्छी बना रहे हैं। नहीं, जलेबी नहीं बना रहा, मैं सीधे बता रहा हूँ। पोहा जलेबी? नहीं, तो जलेबी की खासियत है। आइए, आपको निश्चित रूप से मिष्ठान हमारे जलेबी के रूप में। मैं तो उज्जैन की बहू हूँ। अरे वाह, और बहुत आप अच्छा, वहाँ से तीन बार विधायक चुनकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, मुझे अच्छा लग रहा है जी। तो इसी बात पर बता दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या विचार है आपके? देखिए, हमारी पार्टी की स्पष्ट धारणा है, हम अपने कई एथिक्स को लेकर चलते हैं, जिसके आधार पर हमारी विचारधारा वर्षों तक दुनिया के सारे लोग जानते हैं। इस नाते से हमारे शासन करने के आधार पर, चाहे कॉमन सिविल कोड हो या जो जो भी भविष्य में भारत सरकार हमको इस दिशा में मार्गदर्शन करेगी, हम निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ेंगे। आप ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, कहा यह जा रहा है कि चुनाव मध्य प्रदेश में आपको, लेकिन निशाना साध्या दो अलग जगह पर, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव वोटर्स बीजेपी को वोट करेंगे आपके चेहरे को देखकर? मैं इसी बात का थोड़ा सा आपका मेरा मत भिन्नता होगी, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार या बाकी राज्यों में आप जातियों से बांट कर क्यों देखते हैं? कार्यकर्ता के नाते मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, अपने विचार का झंडा लेके भारत में जहाँ भारतीय जनता पार्टी पहुँचाएगी मैं वहाँ जाने को तैयार रहूँगा। ये हमारे अपनी पार्टी की विचारधारा के आधार पर हमारे से जुड़े हुए सारे लोगों को जोड़ने का मौका है, और स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते से हमारी अपनी जहाँ, और मैं समझ सकता हूँ कि मैं भाजपा के नाते से भी नहीं गया था, मैं तो केवल वहाँ एक अपना श्री कृष्ण विचार मंच उस नाते से गया था, तो स्वाभाविक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर जहाँ हमको इस तरह से निमंत्रण मिले वहाँ हमको जाना चाहिए। नहीं तो ये तो सच है ना कि बिहार में जैसे ही आप गए इंडी गठबंधन को दिल का दौरा पड़ गया? नहीं, ये गलतफहमी मैं नहीं पालता हूँ, मेरे जाने से कुछ हो गया, वो एक राजनीतिक घटनाक्रम हम सब जानते हैं जिसका क्या स्थिति बनी है, वो एक अपनी अलायंस से जो लालू जी और नीतीश जी का था, स्वाभाविक रूप से नीतीश जी उससे बाहर आए और भाजपा से जुड़े, तो मुझे तो आनंद आया इस बात के लिए। तो नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? मैं ये थोड़ी बोल सकता, नीतीश जी का तो अपने आप में हमारे साथ लंबा अनुभव है, और भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं समझ सकता हूँ उनका सबसे ज्यादा सरकार में साथ रहने का अनुभव तो हमारे साथ कहीं। नहीं तो मैं 12 दिन पहले आपसे ये सवाल पूछती तो आप कहते नहीं माहौल खराब है, नीतीश जी से हो नहीं पा रहा है। मैं अपने राज्य की बात करूँगा, वहाँ की बात क्यों करूँगा? तो आप कह रहे हैं नीतीश बाबू के साथ आपका लंबा चलने वाला है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं अगर दूर से देखता हूँ, यद्यपि मेरा सीधा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका वर्षों से अनुभव रहा, और हम सब जानते हैं कि बिहार को कई मामलों में उनने अगर अग्रगण्य राज्य के रूप में लाया। क्योंकि हम बिहार और उत्तर प्रदेश, आप वहाँ गए थे इसीलिए इस बारे में चर्चा करनी जरूरी थी। विपक्ष आपको चैलेंज कर रहा है, बीजेपी को, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा के दिखाइए ना, आप तो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, आपने कहा कि नहीं मुझे जाति में मत बांटो, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में होगी कि नहीं? देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने केवल देश में चार जातियां बताई है, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, उन चारों जातियों के अलावा उन जातियों पे बात करना मुझे लगता आज के इस अवसर पर बेमानी होगा। पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि? मैंने फिर दोबारा निवेदन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या विपक्ष सबको बांट रहा है? आपके सामने ही है विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष के बारे में बात करें, खासकर कांग्रेस के बारे में बात करें, वो नित नए उनके जो सगुफे होते हैं उसके अंदाज लगा लीजिए, भगवान राम के मंदिर को मामले को लेकर वही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ गए, बाद में उनने निमंत्रण तक ठुकरा दिया, तो ये कांग्रेस का चरित्र सबने देखा, और वो क्या उनके जैसे उनके साथ माने वाले सब लोगों के चरित्र दुनिया देख रही है। उस दिन नहीं गए ना, 22 को नहीं गए, बाद में तो जाएंगे। मैंने आपसे फिर निवेदन किया कि भाई मैं आपको निमंत्रण अगर देता हूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराए,
चलो कोई बात नहीं, पुराना जमाना था जब आपने विरोध कर लिया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के आधार पर भगवान राम का मंदिर बन रहा था। तो डॉक्टर साहब आपको क्यों लगता है क्यों विपक्ष नहीं आया, क्या वजह थी? अब मैं ये थोड़ी जान सकता हूँ उनने क्या सोच के किया। उनको लगता है वो आज तक हिंदू मुस्लिम को दो हिस्सों में देख करके हमेशा उस झगड़े के आधार पर मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करते, इसलिए नहीं गए, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बाकी तो वो बताएंगे उनने क्यों नहीं गए। पर अभी आपने देखा कि राहुल गांधी शिवजी के दरबार में गए, पूजा अर्चना उन्होंने की, वो तस्वीरें भी आपने देखी। भगवान राम के मंदिर पे उद्घाटन के समय क्यों नहीं गई, ये जवाब पूरा देश पूछ रहा उनसे। अब दिखावे करने से क्या होता है, जब दुनिया देख रही थी, विश्व में सारा इंतजार कर रहा था भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश करने का। आप बताइए भारत के कौन से अंचल के कौन सी हस्तियां वहां उपस्थित नहीं थी, नहीं थे, अगर नहीं थे तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी उपस्थित नहीं थी, तो वो इस बात को क्यों नकारती है? भगवान राम के मामले में उनका ऐसा दृष्टिकोण क्यों होना चाहिए? तो भगवान राम आपको आशीर्वाद देंगे और विपक्ष को नहीं, आपको लगता ये है? हम थोड़ी कह रहे थे, मैं राजनीतिक तौर पर पूछ रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। भगवान राम क्या करेंगे, भगवान तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन कृपा पाने वाले की भाग्य भी तो होना चाहिए उनका। अगर वो हमारे अपने समुदाय को अपमानित करते हैं तो अपमान करने वाले समाज को विश्वास करना विचार करना पड़ेगा, नहीं कि इनके बारे में क्या करना चाहिए। पर रामलला आपको 400 पार पहुंचाएंगे इस बार? मैं ये इस बात नहीं कह सकता हूं, ये मेरे हक की बात भी नहीं, मैं मध्यप्रदेश की बेहतरी की बात करता हूं, मध्यप्रदेश की बेहतरी की बात करूंगा। तो वहाँ पर आपने देखा कि 2014 की बात करें तो 27 आए, फिर 28 हो गई, इस बार 29 से 29। देखिए हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप बताइए, देखो ये कितना हमारे लिए वर्तमान के अगर लोकतंत्र की बात करें तो आज के समय में मतदाता की जागरूकता और मतदाता की जो ताकत है, परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ कि समूचा देश एकजुट होकर के एक दल की सरकार बनाता है, ये बड़ी बात है। तो और दूसरी बात, फिर 2019 में एक दल की सरकार बनाता मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज जिस ढंग से खड़ा है, ये लोकतंत्र की परिपक्वता भी है और जनता के साथ मोदी जी का एक अटूट रिश्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध विश्वास है, उसका परिणाम एक निश्चित रूप से अखंड जनादेश मिल रहा है, कोई खंडित जनादेश नहीं मिल तो रहा है। उस अखंड का एक आंकड़ा दे दीजिए ना डॉक्टर साहब। आंकड़ा तो निश्चित रूप से मैं आंकड़ा 29 में से 29 लाएंगे कि नहीं? निश्चित रूप से हम उनके नेतृत्व में इसी दिशा में काम करेंगे। और 400 पार जाएगी कि नहीं जाएगी? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपने राज्य की बात करूंगा, निश्चित रूप से हमारा पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, अब ये मैं मान सकता हूँ। हमारे साथ मध्य प्रदेश का ही जाना माना चेहरा और आप जानते हैं मनोज शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं अगर आप इजाजत दे तो। जरूर जरूर सर, मेरा सवाल ये है कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, अब ये मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जो सीता मंदिर की पहल की थी श्रीलंका में, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए ये मेरे समय की बात तो नहीं, लेकिन पूर्ववर्ती हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने निर्णय किया था और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से अगर वो निर्णय की हम समीक्षा कर रहे हैं, हम तो पहले अपने राज्य के अंदर देखेंगे और उसके बाद हमको लगता है कि उस दिशा में कल्चर मिनिस्ट्री ने कुछ काम किया है, तो मुझे लगता है कि पुरानी योजनाओं के आधार पर निश्चित रूप से उसमें विचार करेंगे। मतलब सीता मंदिर बनेगा? मैंने फिर कहा कि अगर हमारी सरकार ने तय किया है तो शिवराज सिंह जी के कई ऐसे कामों को लेकर के हम समीक्षा करते हुए अपने संसाधन के आधार पर निश्चित रूप से बनाने के लिए जाएंगे।